नमस्कार दोस्तों, पीएफ मेंबर्स के लिए पीएफ पासबुक वाले पोर्टल पर ईपीएफओ द्वारा एक छोटा सा लेकिन बड़े ही काम का अपडेट जारी किया गया है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पीएफ पासबुक देखने के लिए आपको जाना होता है epfindia.gov.in पर, जो कि ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना होता है अवर सर्विसेज में। तो यहाँ पर अवर सर्विसेज में फॉर एम्प्लॉइज़ दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है नीचे की ओर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं इसके लिंक। तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे आपको मेंबर पासबुक देखने के लिए, और भी बहुत सारी लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे अगर आप मेंबर पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो पहले इसका इंटरफेस कुछ थोड़ा अलग था और अब यहाँ पर जो है थोड़ा डिफरेंस कर दिया गया है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर अपने यूएन नंबर और यहाँ पर कैप्चा कोड से जो है लॉगिन कर लेना है, यूएन नंबर, पासवर्ड, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर 61-8 53, तो 53 लिख देने के बाद आपको जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेना है आंसर लिखने के बाद। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है इस तरीके का नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, आपको जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते थे तो यहाँ पर आपकी जितने भी पीएफ अकाउंट्स लिंक्ड हैं आपके यूएन में, उनके यहाँ पर लिस्ट आ जाती थी, और आप जिस भी पीएफ खाते का पासबुक देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके उसकी पासबुक देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मेंबर आईडी, अगर मान लीजिए आपके यूएन में दो पीएफ खाते हैं या तो फिर ज़्यादा हैं, तो आपको सिंपली यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस पीएफ खाते का पासबुक देखना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, व्यू पासबुक, डाउनलोड पासबुक और व्यू क्लेम स्टेटस। पहले ये ऑप्शंस नहीं थे। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि सिंपली एक डाउनलोड का ऑप्शन आता था वहाँ पर लोगो, तो काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज होते थे कि यहाँ पर हमको क्या किस तरीके से देखना है। तो दोस्तों, इसमें सिंपली अब ये कर दिया गया है कि अगर आपको देखना है तो व्यू पासबुक कीजिए, अगर मान लीजिए आपको पासबुक डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पासबुक, और आप यहां पर नया चीज़ जोड़ दिया गया है, व्यू क्लेम स्टेटस। तो आप जिस मेंबर आईडी को सिलेक्ट करेंगे, अगर उसमें से आपको कोई क्लेम स्टेटस भी चेक करना है, तो व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक करके आपने अगर उसके जरिए कोई क्लेम सबमिट किया है तो उसकी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।